मेरे घर में आज पूजा और अर्चना होगी। सरस्वती सब लक्ष्मी को सबसे पहले लक्ष्मी को सब बाकी सब आ जाते हैं। कापेट का अवॉइड करना नॉर्थ एंड नॉर्थ सर। पहले के टाइम में जैसे एलईडी नहीं था लाइट में, पहले ऑरेंज कलर का ये लाइट आता था ऑल में, तो अभी जो एलईडी जो लगाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब जो है शिफ्ट करने का, तो हर एक जगह मैं एलईडी यूज कर सकता हूँ क्योंकि कहीं कहीं ऑरेंज लाइट कोई कलर का लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग बात है, कोई ग्रीन लगाता है, कोई ब्लू लगाता है, कोई रेड लगाता है, वो तो अलग बात है। अगर आप जनरल देखेंगे लाइट, ये तो व्हाइट होती है, ये येलोइश लाइट होती है, उसके अलावा तो कोई लाइट होती नहीं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ, बेसिकली क्या है कि जैसे लाइट है ना, जैसे ये व्हाइट लाइट है या हल्की येलोइश बॉम लाइट है, वो तो कभी नुकसान नहीं करती। लेकिन इसके अलावा आप जैसे अगर लाइट लगाते हो, ब्लू कलर लगाते हो, रेड कलर लगाते हो, ग्रीन कलर लगाते हो, तो ये तब लगवाई जाती है जब हमें इनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो। ये हम डायरेक्शन वाइज लगाते हैं, अगर कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है, हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसे कहीं भी लाइट लगा दी तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर जाएगी। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं, लाइट रेड लाइट का बहुत यूज करते हैं, आप देखते हो जनरली ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते, लेकिन रेड का ज्यादा यूज कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी, कभी कहीं लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रहे, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको। तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी। इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तव में, नहीं हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है, यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है। गलत जगह पे लगी हुई लाइट नुकसान देगी हमेशा। जब आप छोटी छोटी चीजों को जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम तो हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीजों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो देती है, खोल देता है, आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जाए, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन ये कैसी चीज है जो आपको निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। आप इतनी अच्छी चीजें हैं तो अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने से मिल जाते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज में बेनिफिट होता है। ये एकदम मिरेक्युलसली काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो थोड़ा समझने की जरूरत है, जब आप समझना शुरू कर देते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग नहीं है सारी से हर को हर तरह के लगा देते, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते, क्योंकि कई बार परेशानी बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में होती और उसको दूर करते ही एक दूसरे समस्या खत्म हो जाती है। तभी तो सर फैशन हो गया ना, मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का है, अंदर से क्लाइंट